ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अप द डायकॉट लीफ ठीक में रहा है उस डायकॉट लीव शिक जरा चिकपो गेंगा लांग जिस पिन ले गा ता लीफ पो का जुक शिवानो ओ डायकॉट लीव पो क्या तना गा ताई का जुक ले विद रेटिकुलेट वेनेशन वो कुछ इस तरह का होता था इस जुक शिंगा ता पता नो हलाले सोसपासा तंगाता इ लीफ सेक्शन स्टैचेस इन नांगाता सेक्शन नेन गुसपा सेक्शन माने चत स्टैच नो ट्रांसफर सेक्शन जिंग नेनते ngata i tene to slide ka nente tene ngata stache no thik rale tangata yu ja pishing ja imagine jo gos de no che azena ngata da sai ka pandemic pages de ngata practical book ra cho mayana गेट बेटर एंड चीज हंगा नॉर्मलाइज छातना तेनेगा इस हंग तेने में जरूर प्रैक्टिकल चुस्त ने माइक्रोस्कोप इन ठीक मेरा किसी भी डॉट्स uh, डाइकॉट लीव का अगर आप सेक्शन लेते हो तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा वो आपका कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक रकमे ओके ना का जो एपिडर्मिस है ता एपिडर्मिस ये बार बार जर किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट में इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है आपका सेल्स का दैट इज नोन्ज योर एपिडर्मिस, ठीक डाले सोस पसंद तांगा ताई डाइकोट लीफ इन आसपास तांचिक पुंगे जिस पिन दिस टाइप्स ऑफ लीव्स आर नोन एस डोर्सो वेंट्रल हाला ले डोर्सल सरफेस यहाँ क्या वेंट्रल सरफेस यहाँ क्या डोर्सल सरफेस का उन्हीं में चोक्सला मांगा पोगत वेंट्रल सरफेस का योग चोक्सला यो ठीक मिला ले सोस पसंद ते ने खातो एपिडर्मिस पंगा नाउ यू कैन फाइंड एपिडर्मल हेयर हालाडर्मल हेयर इसको ऐसे अपेजिस दिखेंगे एपिडमिस के ऊपर सो so उस परसांग एपिडमिस इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेन्ज सेल्स जस्ट लाइक योर योर रूट एंड स्टेम का विनाक है ना कॉम्पैक्टली अरेन्ज सेल्स लिन Now, तो ना एपिडमिस खत् आख्यना यू हैव अथिक क्युटिकल ठिके क्यूटिकली करने जाते मत लीव पिना आख्य ट्रांसपिरेशन कम चुचेंस मैकेनिकल सपोर्ट थोपचेस सो ऑल दोज फंक्शंस आर एट्रिब्यूटेड टू क्यूटिकल सो यू फाइंड क्यूटिकल लेयर अबव द अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडमि ठिक रे नाव एपिडमिस नांग तीस तचिज दुखले यू मन कि मत

नौ मीजोफिल बो खेर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायकॉट लिव यू माइम्पोर्टेंट इन इट इज मेडअप ठीक रहा नाउ वॉट आर द टू टाइप ऑफ सेल्सो रिंगमो रिंगमोले रिंगमो रिंगमोन बो खेते ना चीन जाना पैलिसे यंग सेल्स गुण गुण गुणमा इुण आगान स्पन्जी पैरेंट ठीक ई इलांगेटेड सेल्स का पिकमेंट्स मांगपाल देट मींस इन क्लोरोफिल कंटेंट को मांगपो नो मांग ते आता है लोकेशन बोसताना खो अपर एपिडमीसला काऊ गिमा फोगा ते चोक साइड पे का पहले सेट पैरेन काय वो मामंग पो दुक ते ने पहले सेट पैरेन काय स्टिंग ने यंग सेल्स रिक दुक कागुन ची अदोते दुक इरेगुलर शेप हला या तो ओवल हो सकते हैं स्फेरिकल हो सकते हैं या किसी भी शेप के हो सकते हैं एंड दे हैव कंपैरेटिवली लोअर नंबर ऑफ पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल एज कंपेयर टू योर पैलिसेट पैरेन्काइमा ठीक रहले नाउ इकनिंग जहा गोगोस की पेलीसे पेरन कायमा पेलीसे पेरन कायमा याजी पेरन कायमा यू हुआ पेलीसे पैरन कायमा जानो कावेना डेंसली पैक्ड क्लोरोफिल इलांगेटेड सेल्स इनकने स्पॉन्जी पेरन कायमा बो इोनो सेल्स गुण लूजली पैक्ड पैक्ट क्या इनको यंग यम खेतना इना इंटरसेल्युलर स्पेस पो मामंग पो इ मामपो मामंग पो मेर यहाँ पे बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस है जब जबकि पैलीसेट पैरन कायमा जो है वो टाइटली पैक्ड है और यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेसिस बहुत कम मिलेंगे आपको बट यहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा है यहां पे आपको क्लोरोफिल ज्यादा मिलेगा ओके नाउ बोथ ऑफ दीज दैट इज पैर पैलिसमा एज वेल एज स्पॉन्जी पैरन कायमा दोनों को मिला के फिर हम यहां से यहां तक इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मीजोफिल ओके okay.

फॉर एग्जाम्पल नाता दिस इज योर मिड मिड रिप ठीक राले। बाकी आपके लेटरल वेन्स है तो अगर आप इसको कहीं से यहाँ से सेक्शन लेते हो तेने ई एरिया बोधोले कावे का मिड रिब योदले तेना यू हैव योर जाइलम यू हैव योर फ्लोएम ठीक रहा जाइलम है फ्लोएम है तो उस रीजन को यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया गया है ओके okay. नाउ इबोमन पा अगर कहा ना जहाँ पे लेटरल वहाँ पे भी आपको वेस्कुलर बंडल दिखेगा लेकिन वो जो है वो छोटे होंगे इन कंपैरिजन टू दिस क्योंकि ये मिड्रिप रीजन में है इसलिए ये मोटा होगा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द अदर वैस्क्यूलर बंडल्स जो की यहाँ यहाँ इस तरह होंगे ठीक है नाओ वेस्क्यूलर बंडल्स गुन साइड टू साइड प्लेस्ड दुक सो दीज आर दीज वैस्क्यूलर बंडल्स आर नंबर वन दे आर कंज़ॉइंट नंबर टू दे आर कोलैट्रल एंड देन नंबर थर्ड दे आर क्लोज्ड नाउ ई मीनिंग गुन हाँ ने इन वीडियोज़ गुनस्ता सुनाएं जाते हैं मोजूस्ते इतु यो डो कंज़ॉइंट का मतलब है अगर ज़ाइलम और फ्लोएम साथ में हो एक बंडल में उसको हम कहते हैं कंज़ॉइंट को कोलेट्रल मतलब साइड वेस में एक आ, ये प्लेस्ड है एक रेडियस पे जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम इसको हम कोलेट्रल कहते हैं एंड देन इट इज क्लोज सो क्लोज का मतलब है कि दे कैम्बियम इज एब्सेंट इन आई मीन द कैम्बियम इज एबसेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम तो यहां पे कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है जो कि सेकेंडरी मेरीस्टमैटिक टिश्यू है तो इसीलिए हम इसको क्लोज कहते हैं सो दैट मीन्स यहां पे कैम्बियम एब्सेंट मैं बार बार कहती हूँ वेन आई से क्लोज सो दैट दैट विल मीन कैम्बियम इज एब्सेंट एंड दैट विल इवेंट दैट विल एक्चुअली मीन दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट यू नो एब्सेंट यू नो इट इज एब्सेंट ओके विदाउट कैम्बियम there can be no secondary growth. so here when it when uh, the vascular bundle is closed, it means cambium is absent. so therefore there will be no secondary growth taking place in case of dicot leaves. यहाँ पे एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आपके वास्कुलर बंडल के अराउंड कुछ सेल्स जो है इसको सराउंड किए हुए हैं. ठीक है? आप जस्ट अ सेकंड आप देख सकते हो कि ये जो वैस्क्यूलर बंडल है दैट मीनस ये आपका जाइलम है है ये फ्लोएम इसको सराउंड किया हुआ किसने है बंडल शीत इसको हम क्या कहते हैं बंडल शीत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो बंडल शीत लेयर ऑफ पैरेंटमेटर सेल्स सराउंड वैस्क्यूलर बंडल सो इसको हम क्या कहते हैं बंडल शीत शीत माने कवर लज मानो सो so, वैस्क्यूलर बंडल कवर है It is known bundle okay. एक कवर बंगाते हैं चीज इट इज नोन एज बंडल शीत ओके एक एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका जाइलम जो है वो किस तरफ है इका नंगा था मेटा जाइलम ना प्रोटोजाइलम ना तो नहीं ब्लू कलर ना फ्लोएम बोथ हों दुआले सो so, उस पर जाइलम इस फेसिंग टुवर्ड्स डी अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम इस टुवर्ड्स डी लोअर एपिडर्मिस यू तो बोल हेले फ्लोएम बो योग आड्रॉचोचेनो जाइलम बो ख now quickly coming to the monocot leaf then a monocot leaf my easy inokle you have upper epidermis then a lower epidermis now dicot leaf in a khetana ventral surface sika maninga astomata pin but here you can see कि स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एपिडर्मिस एस वेल एज लोअर एपिडिस जेजन आताइमोनोकॉट लीव गुना चीज जरा पिन आइसो बाइलेटरल जरा मे पिन अले आइसो मैंने सिमिलर दोनों साइड सेम है दोनों साइड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ती है So that is why stomata is present on both surfaces, upper, upper epidermis as well as lower epidermis. And both upper and lower epidermis is surrounded, or you can say it is covered by a layer of cuticle around it. ठीक है उसके बाद ये अपर ना लोअर एपिडर्मिस से जू सेल्स गुना चीज नो दिस इज नोन एज मीजोफिल ठीक है नाउ व्हेन यू लुक एट डायकॉट लीव यू हैड टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द इन द मीजोफिल चिक पोहा जरूरत पैलेसे पेरेंट कामा एंड काउ लूजली पैक टू देवर स्पॉन्जी पेरेंट बट बटाई मोनोकॉट लीफ इन आस्ताना देर इज नो सच डिफरेंसिएशन सो दैट मीन्स it is a very important point to remember in the caning is a zupitu illusion कि यहाँ पे मिजो में देर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मिजोफिल इंटू पेलीसेट एंड स्पन्जी पेर दैट मीन्स ऑल द सेल्स लुक अलाइक ठीक रे स्पेरिकल योडो इलांगेटेड योडो पॉलीगोनल योडो ओवल योडो खो छंग खेते नंग इलांगेटेड खोरंग काविना पिगमेंट्स मांग पो यो इन तिजुक्यक यहाँ पे ऑल द सेल्स आर सिमिलर दैट इज वाई द मिजोफिल इज नोन टू बी नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू पैलिसके सो एनी हाउ जो भी आपके सेल्स यहाँ पे मिजोफिल में प्रेजेंट है वेदर इट इज इन मोनोकॉर्ट लीव और डाइकॉर्ट लीव दिज ऑल दीज सेल्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल तो उनके पास क्लोरोफिल पिकमेंट है इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे ओके

तो आपको इस तरह से आपको बहुत सारे आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे इस इस वेन का यहां पे इस वेन का यहां पे लाइक वाइज इस वेन का यहां पे इस तरह से तो यहां पर भी आप देख सकते हो यू कैन सी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है यू हैव द दुलर बंडल्स द स्मॉलर वन एंड दिस इज द बिगर वन और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दीज आर द मेटर एलिमेंट्स तेना जाइलम तेनाजायनोकम वेल्स गुनुक तेना यू तेने तेना चुक्सला डायकोट नाउ बंडल शीत योदा चुकसला यहां पर भी आपका बंडल शीत है नाउ वॉट Uh, यंग आता यू मान पा यंग डिफरेंट कैरेक्टर जिची दुख काउख ही वैस्क्यूलर बंडल है एना मिरोक जिना कि यहाँ पर आपके बंडल शीत के बाहर यंग है जरिन वैस्क्यूलर बंडल के बाहर अपर और लोअर साइड side, दोनों साइड्स में यू विल फाइंड टू पैचेस ऑफ स्लेरन कायमा ठीक रहा दिस मीन क्लेरन कायमा आपका हम इसको इस तरह से डबल वॉल में ड्रॉ करते हैं सो so, ये जो चीज है आपका दिस इज क्लेरन कायमा ओके नाउ यू कैन सी कि यहां पर दो पैचेस हैं एक यहां पर एक यहां पर सो दीज आर पैचेस ऑफ स्लेरन कायमा ठीक रहे दिन स्कलेरन कायमा आर डेड सेल्स आपको पता है थिक वॉल्ट सेल्स है सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द इंटरनल टिश्यूज दैट मीन्स साइलम फ्लोएम गुना प्रोटेक्ट जो जोस्ते बोर्को चीक द बंडल शीत तो है ही उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यू ऑल्सो हैव टू पैचेस ऑफ स्क्लेरन कायमा ऑन ऑन इधर साइड्स ऑफ योर वेस्कुलर बंडल टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ठीक रहे ओके okay. Now I hope everything is clear. कि डायट लिफ इना मोनोकोट मोनोकॉट लिफ इना चीदुक ठीक मिला एपिडर्मिस ने फलसाना बट एपिडर्मिस पोखेता डायकॉट लीफ इना वेंट्रल योअर एपिडमीसा मानसोम मेटकिया मेट मोनोकॉट लीफ इना बोथ साइड से का स्टोमेटाक चोस मिजोफेल बोसताना डायकॉटना पेलीसेट पेरेंट काना स्पॉजी पेरेंट काना डिफ्रशियेट इतक बट मोनोकॉट लिफ इना चोक सोतिया आ, तेने ते व डिफ्रंसिशन जिंक मेत क्याकना वेस्क्यूलर बंडल कलतेने कलते वेस्क्यूलर बंडल इंसके नंगा बंडल शीत कवरिंग हो बट मोनोकॉट्स ना इसाना इंगा टू पेचिस ऑफ स्क्लेर माथेबा दुख कहीं बेचास मेकानिकल सपोर्ट थपदुक सुनोकॉट लिव गुनेलेने यंगाई चलक चिची इंपोर्टेंट जिंक रोलिंग ऑफ लिव ड्यू टू दीज बिगर सेल्स वाई सेल गुना चिजपिन दीज सेल वर नोन एज बुली फॉर्म और मोटर सेल्स ठीक लगे ई सेल्स बुन घना डायकॉट इना एबसेट इतक मोनोकॉट इना मे प्रेस इतक सो दीज आर द बेसिक डिफरसीज वीच यू हैव टू रिमेम्बर वेन यूर आस्ड अबाउट एनाटमी ऑफ डायकॉट एण्ड मोनोकॉट लिव देने तरु हाँ डाउटना प्लीज देने फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम थैंक यू